नमस्कार आज हम इस एपिसोड में आपको बापू के अनुशासन के बारे में बताएंगे। गांधी जी अनुशासन के ऐसे धागे से बंधे थे जिसमें संकल्प की शक्ति थी और लक्ष्य की साधना। मुझे महात्मा जी के साथ सारे हिंदुस्तान में जाने का और उनको रिपोर्ट करने का 3 साल के ऊपर मौका मिला। इस समय में मैंने देखा वो अनुशासन को कितना महत्व देते थे। बापू के बारे में पढ़ते पढ़ते उनके अनुशासन के बारे में मुझे कुछ बातें पता चली। आज कुछ प्रसंग मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बापू का समय पालन व नियम पालन तो जग जाहिर है। उनका नाम ही पड़ गया था 17 घंटों का गुलाम। एक रोज शाम को घूमते समय साथ वालों से बातचीत करते हुए उन्हें देर हो गई तो उन्होंने दौड़कर समय पर प्रार्थना सभा में पहुंचने का प्रयत्न किया। लोगों का कहना है कि ऐसा कई बार हो जाया करता था। आश्रम में कई बार संयुक्त भोजन के प्रयोग हुए। बापू मानते थे कि कौटुंबिक जीवन से आगे सामाजिक या सामूहिक जीवन की ओर प्रगति करनी चाहिए। ये उनके रामराज्य की एक सीढ़ी थी। इसके लिए जरूरी था कि सब लोग एक ही जगह आश्रम के भोजनालय में खाना खाएं। इससे समय व धन की बचत के अलावा सामूहिक जीवन का भी आभास होगा। लेकिन सब होना चाहिए समय पालन, सुव्यवस्था व शुचिता के साथ। इस सारे कार्यक्रम को गति देने व लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए खुद बापू ने भी संयुक्त रसोड़े में भोजन करना शुरू कर दिया। भोजन के समय 2 घंटी लगने का नियम तय हुआ। दूसरी घंटी लगने तक जो भोजनालय में न पहुंच सके उसे दूसरी पंक्ति के लिए बरामदे में इंतजार करना पड़ता था। दूसरी घंटी के बाद रसोई घर का द्वार बंद कर दिया जाता था जिससे उसके बाद उसमें कोई आ न जाए। इत्तेफाक से एक दिन बापू भी पिछड़ गए और बरामदे में जाकर खड़े हो गए। वहां पर बैठने के लिए कोई कुर्सी या बेंच नहीं थी। किसी ने उनसे विनोद करते हुए कहा कि बापू आज तो आप भी गुनाहगारों के कटहरे में खड़े हो गए हैं। कानून तो सबके लिए बराबर है ना? बापू कुर्सी लाऊं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं। और सजा तो पूरी ही भुगतनी चाहिए ना, उसी में आनंद है। एक बार बापू को गुजरात विद्यापीठ की मीटिंग में या इसी तरह की किसी जरूरी काम में जाना था। जब समय पर कोई सवारी नहीं मिली तो उन्होंने पैदल चलना शुरू कर दिया। लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो मीटिंग पर समय से नहीं पहुंच पाएंगे तो उन्होंने रास्ते में जाते हुए एक साइकिल सवार से उसकी साइकिल ले ली और चलाते हुए गुजरात विद्यापीठ पहुंच गए। मुलाकात के समय यदि 1 सेकंड की भी देर हो जाती तो टोकते और अगर समय पूरा हो जाता तो कहते कि अब भाग जाओ क्योंकि अब दूसरे का समय है। अनुशासन और वक्त की पाबंदी का ऐसा दूसरा उदाहरण मिलना नामुमकिन है। शाम की प्रार्थना के बाद बापू के प्रवचन के समय एक आश्रमवासी बापू के पास आया और उसने ये शंका व्यक्त की कि 4 बार आश्रम के नियम भंग करने पर, आश्रम को छोड़ने पर कुछ आश्रमवासियों को इस बात से आपत्ति है। बापू, पूरी कोशिश करने पर भी जिससे आश्रम के नियम भंग हो जाए उसे आश्रम छोड़ने के लिए विवश करना क्या उसके साथ अन्याय नहीं है? उसके विकास को रोकना नहीं है? इससे उसका बड़ा कल्याण होगा, क्या इसमें हिंसा नहीं है? जिस समय वो आश्रमवासी बापू से प्रश्न पूछ रहा था उसी समय साबरमती नदी के पुल से एक रेलगाड़ी अहमदाबाद की ओर जा रही थी। छोटी से छोटी बात का उदाहरण का लाभ उठाना बापू अच्छी तरह जानते थे। वे बोले, ये जो रेलगाड़ी जा रही है इसकी आवाज सुन रहे हैं आप लोग? ये साबरमती स्टेशन से एक निर्धारित समय पर चलती है। अगर कोई समय पर स्टेशन ना पहुंच पाए तो गाड़ी छूट जाती है। अगर किसी के देरी से पहुंचने पर गाड़ी छूट जाए तो क्या गाड़ी ने उस मुसाफिर पर हिंसा की? अब इसे आप गाड़ी द्वारा मुसाफिर पर की गई हिंसा कहेंगे या कुछ और? हिंसा और अहिंसा के तत्व को ठीक तरह से न समझा जाए तो इस तरह की बहुत सारी बातें मन में उठ सकती हैं जो भ्रम पैदा करती हैं। एक आश्रम में
सभी लोग मिलकर कुछ नियम बनाते हैं और वो नियम किसी एक व्यक्ति के हित साधन के लिए नहीं होते हैं बल्कि सभी वासियों के लिए होते हैं और उसका उन्हें पालन भी करना होता है। अगर उन नियमों का पालन न किया जाए तो ये आश्रम के प्रति और उसके वासियों के प्रति हिंसा होगी ना। बस मुझे यही कहना है कि किसी भी आश्रम में अगर उसके नियमों का पालन किया जाए, अनुशासन से रहा जाए, तो ये अहिंसा पूर्वक आश्रम में रहना होगा। अनुशासन ही सबसे बड़ी चीज है आश्रम में रहने के लिए। बापू का कहना था कि अनुशासनहीन को सजा देना हिंसा या अहिंसा से जुड़ा नहीं है बल्कि ये मन की दृढ़ता और आत्मा की शक्ति से संबंध रखता है। अनुशासनहीन की आत्मा कमजोर होती है। तो वो कौन सा अनुशासन था? वो आंतरिक अनुशासन। बाहर से लादा हुआ अनुशासन नहीं। और आंतरिक अनुशासन बहुत ही मजबूत होता है। मुझे गांधी जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी विनोबा जी का वो वचन याद आता है। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने जो शांति सेना बनाई, उसके वो प्रथम सेनापति थे और उस वक्त वो अकेले ही सैनिक थे, एकला चलो रे कहते हुए वो आगे बढ़ते गए। लेकिन अब हमें उसका फिर से पुनरुज्जीवन करना है। तो कहा था कि शांति सेना में अनुशासन जो होगा वो सेना से भी ज़्यादा कड़ा होना चाहिए। तो किसी ने आपत्ति उठाई कि ये कैसे हो सकता है, अहिंसा के साथ कैसे मेल। तब उन्होंने कहा कि अहिंसा के लिए अधिक अनुशासन की आवश्यकता है। तो समाज की व्यवस्था के ऊपर भी उन्होंने बहुत कुछ जो लिखा है कहा है, उसके बिना केवल अगर हम हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता रहेगा कि दूसरा व्यक्ति जो है, समाज तो व्यक्तियों से बना है और आजकल देखने में आता है कि करीब सभी लोग कहते हैं कि समाज में अनुशासन की कमी है, किंतु हम ही तो समाज हैं और कहने वाले भी हम वही हैं। तो समाज का भी एक आधार है और गांधी जी ने वो जो आधार बताए हैं, जब तक वो आधार उसमें नहीं आते, केवल अनुशासन कहने से अनुशासन नहीं आएगा। गांधी जी का सूत्र केवल एक किताबी नहीं था, उनका जीवन, पूर्ण जीवन का अनुशासन ही उनका एक सूत्र था, जिसमें हमारे कर्म में, हमारी बातों में, हमारे हर सोच में, हर व्यवहार में ये हमारा अनुशासन होना चाहिए, ऐसा उनकी सोच थी। गांधी जी यरवदा जेल में थे। किसी काम से काका कलेलकर जेलर मिस्टर क्विन के ऑफिस में गए। धूर्त क्विन और भोले काका की दोस्ती आसानी से हो गई। बातें चल रही थी, इतने में एक तार जेलर के हाथ में आया। बेचारा पढ़ न सका, उसने काका साहब की मदद मांगी। उन्होंने पढ़ सुनाया, लेकिन इससे उन्हें पता चला कि श्री प्यारे लाल जी उसी जेल में हैं और कुछ बीमार हैं और कोई आदमी उनसे मिलने की इजाजत मांग रहा है। जेल के ऑफिस से अपने स्थान पर आते ही काका साहब ने बापू को समाचार दिया कि प्यारे लाल जी इसी जेल में हैं और कुछ बीमार हैं। अब प्यारे लाल जी रहे महात्मा जी के अत्यंत निकट के रहस्य मंत्री, उनको देखे बिना कैसे चल सकता था। दूसरे दिन अपने रिवाज के अनुसार जेल सुपरिटेंडेंट मेजर मार्टिन गांधी जी से मिलने आए। मैं प्यारे लाल से मिलना चाहता हूं। आपसे किसने कहा कि प्यारे लाल इसी जेल में है? यह तो कोई सवाल नहीं हुआ, मैं जानता हूं कि वो इसी जेल में है। मैं उनसे मिले बिना कैसे जी सकता हूं? ये जेल है, जेल का अनुशासन मैं भंग नहीं होने दूंगा। अच्छा, मेरी जेल में ऐसी बातें हों, इससे पहले मैं इस्तीफा देकर जेल से चला जाना पसंद करूंगा। बात इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजंस कर्नल डायर तक पहुंची। वे गांधी जी के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे और बात थी भी छोटी। वे दौड़ते हुए आए। गांधी जी जानते थे
कि डायल के मन में काका साहब के प्रति सद्भाव था। डायल ने ही काका साहब को यरवदा जेल में गांधी जी के पास रखा था, क्योंकि काका साहब 6 बरस से पहले साबरमती जेल में कैदी थे और डायल साहब नए नए जेल सुपरिटेंडेंट होकर आए थे। डायल को देखते ही गांधी जी ने बहुत मीठे शब्दों में कहा, ओ मिस्टर डायल, कई दिनों बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। आई थॉट यू हैड डेजर्टेड अस। मिस्टर गांधी, आप प्यारेलाल से मिलना चाहते हैं ना? जी हाँ। इसका प्रबंध हो सकता है। मिस्टर मार्टिन का कहना सही है, इस जेल में कोई कैदी किसी कैदी से मिलने की मांग नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त आप कैदी तो हैं नहीं और किसी कोर्ट ने आपको सजा भी नहीं दी है, आप स्टेट डेटेन्यू हैं। आप प्यारे लाल से जरूर मिल सकते हैं। बस 1 घंटे के अंदर 2 पुलिस वालों के साथ प्यारे लाल जी गांधी जी के वार्ड में आ पहुंचे। खूब बातें हुई। दूसरे दिन मेजर मार्टिन आए भीगी बिल्ली के जैसे। आपका जब जी चाहे आप प्यारे लाल जी को बुला सकते हैं। अब गांधी जी की समन्वय वृत्ति जागृत हुई। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो सिर्फ प्यारे लाल जी के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हूँ। उनसे 8-10 दिन में एक बार मुलाकात हो जाए बस यही काफी है। मैं बहुत अनुशासन प्रिय हूँ। मैं आपके जेल के अनुशासन को भंग नहीं करना चाहता। जो अनुशासन खुद अपने ऊपर रखा जाता है और दूसरा जो ऊपर से लादा जाता है। गांधी जी का अनुशासन अपने अंदर से निकला हुआ अनुशासन था और उस अनुशासन में ज़्यादा ताकत है और ज़्यादा अनुशासित उससे हो सकता है आदमी, बजाय इससे कि उसको हम विश्वविद्यालयों में जैसे प्रैक्टोरियल सिस्टम के द्वारा या पुलिस के द्वारा जब हम लगाने की कोशिश करते हैं तो उस पर वो मजबूती नहीं होती जो आत्म अनुशासन होता है, अपनी आत्मा से निकलता है और खुद अपने ऊपर आदमी उसको लागू करता है। अनुशासन के बिना तो अहिंसक समाज रचना का अस्तित्व ही असंभव है, लेकिन उसमें किसी भी किस्म के लादे हुए अनुशासन की बात नहीं होगी। जो लादा जाता है उसमें कुछ न कुछ हिंसा अवश्य आती है, इसलिए विशुद्ध अहिंसक समाज में जो भी अनुशासन होगा वो अत्यंत कड़ा होगा, लेकिन वो व्यक्ति स्वयं स्वीकार करेगा विचार से, श्रद्धा से। गांधी जी बार बार यही कहते थे कि ये जो एथिक्स है, ये जो मोरालिटी है, ये आचरण जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। वो कहते थे, एक सत्याग्रही से मैं जीत सकता हूँ और लाखों सत्याग्रहियों को जो अनुशासन नहीं रखते मेरे, मुझे उसका कोई फायदा नहीं होगा। साबरमती आश्रम की बात है। बापू कुछ कागज देख रहे थे। उनके पास ही एक सज्जन बैठे थे जिनका नाम था छगनलाल। कहो छगन भाई, कैसे आना हुआ? बापू, इस बार मुझे आश्रम के स्टोर के हिसाब में कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। सवेरे छगन भाई ने मुझे बताया कि आश्रम के स्टोर में कुछ गड़बड़ है। ये बात इतने दिनों तक मुझसे छुपाए रखी गई, इस बात का मुझे बहुत दुख है। ये आश्रम एक मंदिर है जिसे हम सत्याग्रह आश्रम कहते हैं। अगर इस प्रकार की गड़बड़ आश्रम में होती है तो यह तो उद्योग आश्रम बन जाएगा। छगनलाल गांधी बापू के भतीजे थे।
बापू बहुत नाराज थे। बात दरअसल ये थी कि कस्तूरबा को कहीं से उपहार में 4 रुपए आए, लेकिन आश्रम के दफ्तर में अभी तक ये रुपए जमा नहीं करवाए गए थे। बापू बहुत नाराज थे। उन्होंने अपने आत्मशुद्धि के लेख में छगनलाल और कस्तूरबा की कड़े रूप से निंदा की। सरोजनी नायडू ने जब ये लेख पढ़ा तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि बापू ने इस तरह अपने लेख में अपनी ही पत्नी की निंदा क्यों की। वे बापू से मिलने उनके आश्रम आई। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेत मनंतरम त्वबहिर्ब्रह्म सत्यम। ओ सरोजनी देवी, कहिए कैसे आना हुआ? आपको सबके सामने उनके विषय में ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है आपकी वो पत्नी है, मगर हमारे लिए तो माता समान है, और फिर उनके मन को कितनी ठेस पहुंची होगी। सरोजनी देवी, ये दुख की बात नहीं है बल्कि बड़ी खुशी की बात है। आज भगवान ने मुझे एक बहुत बड़े पाप से बचा लिया। अगर मैं अपने नजदीकी रिश्तेदार के दोष को सबसे नहीं बताता तो कल आश्रम में बात फैल जाती और भ्रष्टाचार धीरे धीरे सभी के जीवन को खा जाता। गांधी जी छोटी से छोटी भूल के लिए भी सार्वजनिक प्रायश्चित में विश्वास रखते थे। फिर चाहे वो उनका पुत्र, मित्र या पत्नी ही क्यों ना हो, वो किसी को भी क्षमा नहीं करते थे। वे अपना अनुशासन कभी भी भंग नहीं होने देते।